हेलो एवरीवन तो आज हम बात करेंगे सीएमपी के बीए के कट ऑफ के बारे में केवल इसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है और बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके फीस या पूरी मतलब यहाँ पे फुल डिटेल बात करेंगे सीएमपी बीए के बारे में जितनी भी फ़ीस है सीट्स इसकी कितनी है किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं और यहाँ पर एडमिशन की कट ऑफ कितनी गिर सकती है मिनिमम तो लास्ट कट ऑफ यहाँ पर जाएगी वो कितनी रह सकती है तो हम पूरा बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक कैसी पहुँचती रहें हम एडमिशन के बाद भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे जैसे कि सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड और टाइम टेबल से रिलेटेड रिलेटे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीए की कट ऑफ आ चुकी है सीएमपी ने पहले राउंड की कट ऑफ अपनी निकाल दी है बी के लिए हालाँकि इसके एडमिशन तो चल रहे थे बी एस के लेकिन बी का कट ऑफ इन्होंने पहली बार जारी किया है फर्स्ट राउंड के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी अनरिजर्व में वन एटी एट के नंबर नम, है जिनका वन एटी एट प्लस नंबर है जिनका वो एडमिशन ले सकते हैं सोलह तारीख को साथ में एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है तो जिनका भी नंबर वन एटी एट है वो जाके अपना एडमिशन ले लें ले सोलह दिसंबर को और साथ में यहाँ पे कुछ नोटिस निकले हैं बेसिकली हम उसकी भी बात करेंगे तो क्या यहाँ पर सीधा सीधा दिया कि, कि एस कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं बी और बी के वो अपना एडमिशन ले लें जल्द से जल्द नहीं तो जो इनकी सीट है वो एस कैटेगरी में बदल दी जाएगी और जो यहाँ पे दूसरी नोटिस है वो ये है कि बी ए बी एस सी बी कॉम के जो एम्प्लॉय वार्ड हैं या स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं वो ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर में अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स फ़ीस के साथ जमा कर दें सत्रह तारीख से पहले या सत्रह तारीख तक ताकि उनका एडमिशन हो जाए जितने भी स्पोर्ट्स कोटा या फिर विकलांग कोटा के हैं वो अपना एडमिशन करा लें सत्रह तारीख से पहले और जो यहाँ की टाइमिंग रहने वाली है देखेंगे हम तो नौ से बारह बजे तक रहने वाली है यहाँ की टाइमिंग आपको किसी भी हाल में इस टाइम के बीच ही कॉलेज में जाना है देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें दी गई हैं हालांकि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन ना छूटने पाए तो बेसिकली यहाँ पर जो दिया है वो टी दिया है हाई स्कूल एंड इंटर की मार्कशीट दिया है देन उसके बाद फ़ोटो कापी ऑफ आधार और पासपोर्ट साइज़ कलर फोटो दिया और फिर ये तो बेसिकली आपको ले ही जाना है जो पूरा डॉक्यूमेंट है मैं लिंक दे दिया है मैंने वहाँ पे आप जाके देख लीजिए और फीस से रिलेटेड भी वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी तो इस वीडियो को आप देख के ही अपना एडमिशन कराइए ताकि आपका एडमिशन छूटने ना पाए और जो मैंने चार दिन पहले वीडियो डाला था सी के बारे में जिसकी कट ऑफ मैंने बताई थी वन रहने वाली है कम से कम तो उसके ऊपर गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग दो लोगों ने हमारा वीडियो देखा है और वेट किया है कि हमारा यहाँ पर एडमिशन हो सकता है जो वन सेवेंटी फाइव कट ऑफ है वो दूसरे तीसरे राउंड तक आराम से आ सकती है तो आप वेट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में अगर हैं तो वन सिक्सटी तक भी इसकी कट ऑफ जा सकती है आप वेट कर सकते हैं वहाँ तक लेकिन आपका किसी भी कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज में हो रहा है अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ तो आप वहाँ पर अपना एडमिशन ज़रूर ले लें क्योंकि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो बहुत अच्छे हैं आप अपना एडमिशन वहाँ बेझिझक ले सकते हैं आपको और वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ पर चेक कर लीजिए और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे थैंक यू